दतिया नगर पालिका स्वच्छता अभियान के तहत नंबर वन बनने का लाख दावा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका की पोल खुल ही जाती है। इसी बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक नाले की सफाई के लिए लोग 3 माह से नगर पालिका में अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन नाले की सफाई नहीं की जा रही है। इस नाले के कारण लोगों के घरों से निकलना, बच्चों को स्कूल भेजना दुश्वार हो गया है। गुस्साए वार्ड वासियों ने रोड पर जाम लगा दिया, जो कि 2 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद नगरपालिका सीएमओ मौके पर पहुंचे एवं थाना कोतवाली प्रभारी शेर सिंह द्वारा लोगों को समझाइश देकर शांत करवाया गया और सीएमओ द्वारा तत्काल नाला साफ करवाने का आश्वासन दिया। तब वार्ड वासियों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने जाम खोला। वहीं सीएमओ ने बताया कि निर्वाचन चुनाव के दौरान मुझे टाइम नहीं मिला, जिसके चलते नाला सफाई नहीं हो पाया। जानकारी लगते ही काम शुरू करवा दिया गया है। लेबर आ रही है, 12 बजे तक लेबर आ जाएगा। समस्या हमारे मोहल्ले की, नाला काफी दिन से गंदगी फैल रही है, काफी दिन से यहाँ गंदगी फैल रही है और ये दशहरे से है। हमारे लोग दीपावली ऐसी गंदगी मनी है। नगर पालिका सीएम ने कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तो फोन उठाने तक को तैयार नहीं है। जब भी उनसे फोन करता हूँ तो कहते हैं 1 घंटे में लेबर भेजता हूँ, कहीं 12 बजे के बाद लेबर भेजता हूँ, कहीं 2 बजे के बाद लेबर भेजता हूँ। आज तक उन्हीं की नहीं सुनी गई है। इस मजबूरी में सारे मोहल्ले वासियों ने ये चक्का जाम करना पड़ा है और ये चक्का जाम जब तक चलेगा जब तक ये नाला सफाई नहीं होगा। मैंने कईयों बार सीएमओ को और यहाँ के सारे अधिकारियों सारे कर्मचारियों को इस नाले से अवगत कराया, इस पर फेसबुक पे भी मैंने डाली, लेकिन आज दिनांक तक किसी कर्मचारी और किसी भी नगर पालिका अधिकारी ने आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी के कारण जनता जनार्दन रोड पर आई है और हम जब तक हटेंगे जब यहाँ का रोड का ये सही हो जाएगा, किसी भी कीमत में जब तक ये नाला ठीक नहीं होगा और हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा यहाँ से जाम नहीं खुलेगा। इसके लिए चाहे हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो, किसी भी तरह का प्रशासन कोई कार्रवाई कारण से आज जाम की स्थिति बनी। सुबह मोहल्लेवासियों से बोल दिया था कि 12 बजे लेबर आएगी, 10-12 बंदे आदमी आगे सफाई करेंगे, इसके बावजूद भी मोहल्ले वालों ने जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कम से कम 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 4-5 दिन से 5-6 आदमी लगातार काम कर रहे थे। कहाँ ऐसा कोई स्थिति दिखी नहीं वहाँ पे? नहीं, ये आगे आगे पाटे खुली हुई नाले की, नाले की पाटे खोली, कचरा भी निकाला नाले में से। क्या बावजूद भी लेबर ने यहाँ मोहल्लेवासियों ने जाम लगा दिया। सुबह मॉर्निंग में बात भी हुई मेरी यादव जी से, श्रीवास्तव से, उनसे भी बोला हम 12 बजे लेबर आएंगे, 10-12 आदमी आगे लगातार लगे रहेंगे और नाला साफ करवा देंगे, इसके बाद ही लेबर बंद होगा। इसके बाद भी जाम लगाया, फिर पब्लिक के मुद्दे के लिए।